तो इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो तरह की बुकरम ली हुई है, एक छोटी बुकरम जिसको हमने खुला हुआ रखा है और एक बड़ी बुकरम जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और अगर आपको दोस्तों बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस या कुर्ती के डिज़ाइंस या और भी किसी तरह के नेक डिज़ाइन देखने हैं तो आप हमारे रूप सर के नए चैनल को फॉलो कर लें जिसका नाम है पिक्सू डिज़ाइंस। तो जल्दी से यूट्यूब पर सर्च कीजिए पिक्सू डिज़ाइन, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी बड़ी वाली बुकरम पे जिस पे हमने डबल फोल्ड किया हुआ है उस पे नेक कटिंग करेंगे और पैटर्न बाद में हम कटिंग करेंगे छोटी बुकरम पर। तो इसका हम आपको साइज़ बता देते हैं, हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है तो इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 8.5 इंच। इसी प्रकार से नेक आप जब भी कट करें इस तरह का तो आप बुकरम को फोल्ड करके रख लें। इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हमारे गले की जो चौड़ाई है वो है 6 इंच, तो 6 इंच का हाफ करके हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। अगर आप गले की चौड़ाई ज़्यादा पहनते हैं तो आप ज़्यादा पर निशान लगा लें और अगर आप कम पहनते हैं तो कम पर निशान लगा लें। इसके बाद हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से इसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अपना गले की लंबाई लगा रहे हैं 7 इंच। जैसे हमने 3 इंच पर एक इधर मार्क लगाया था वैसे ही एक 3 इंच पर इधर लगाते हुए पूरे बॉक्स को तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने नेक के अंदर की तरफ एक पान सेफ वाली सेफ का निशान लगाएंगे। दोस्तों नेक डिज़ाइन तो बहुत ही सरल है लेकिन इसको हम बनाना भी आपको उसी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत ये तैयार होगा। ये हमारी देखिए मार्किंग हो गई है। इसके बाद इसके बाहर की तरफ हम जो बुकरम की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच। इसी प्रकार से आपको भी पूरे नेक की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक 1.5 इंच ही रखनी होगी। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम सेम मार्किंग पे कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा नेक कट गया है। इसके बाद हम अपनी इस बुकरम पे भी पैटर्न को काटेंगे। पैटर्न पे काटने के लिए हम पैटर्न को भी इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इधर की तरफ जो बंद वाली साइड है इससे साइड को खुली वाली साइड की तरफ को एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा सिर्फ। ये निशान लगाने के बाद हम एक लंबाई में निशान लगाएंगे 4 इंच पर, इस तरीके से देखिए ये हमने एक अपना 4 इंच पर निशान लगा दिया है। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक की एक सेफ देंगे, देखिए ऐसे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसकी चौड़ाई बाहर की तरफ इधर रखेंगे और इधर रखेंगे कम, तो इधर कितनी रखेंगे देखिएगा, इधर की तरफ हम निशान लगाएंगे लगभग 1.5 इंच और इधर की तरफ लगाएंगे हम 1/2 इंच। अब यहाँ से सेफ ले जाते हुए हम अपने 1/2 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब हम इसकी सेम मार्किंग पर ही कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा पैटर्न भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे अपने इस नेक को, ये देखिए ये पैटर्न और नेक दोनों ही चीज़ों को हम अपने कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने पैटर्न को और नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लिया है और चिपकाने के बाद हमने नेक के बाहर की तरफ से बुकरम से बिल्कुल मिलाकर कपड़े की कटिंग कर दी है।
ऐसे ही सेम हमने अपने पैटर्न में भी की है, बुकरम से मिलाकर कपड़े की कटिंग बाहर की तरफ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस नेक पर सीधी तरफ से देखिए, यहाँ की तरफ बाहर की तरफ हम जो है पाइपिंग देंगे अपने मैचिंग कलर के कपड़े के हिसाब से। तो ये हमने अपना मैचिंग कलर का कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच और लंबाई हमारे नेक के बराबर होगी। और ये दोस्तों औरे पट्टी है, ये ध्यान रखना है आपको, जब भी पाइपिंग लगाएं इस तरह से तो आपको एक औरे पट्टी लेनी होगी। तो इस औरे पट्टी को हम इस तरह से पहले नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद इस तरीके से अपने नेक को ऊपर रखेंगे और इस पर हम उतनी चौड़ी सिलाई लगाएंगे जितनी चौड़ी हमें पाइपिंग चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, हल्का हल्का आप नीचे वाली जो औरे पट्टी हो उसको खींचते रहें। ये देखिए हम यहाँ पर इतनी चौड़ी सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि हमें इतनी ही चौड़ी पाइपिंग चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा सिलाई लगा लें और अगर कम चाहिए तो आप इससे भी कम सिलाई बारीक लगा सकते हैं। पट्टी को अटैच करने के बाद इस तरीके से आपको पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है बनकर तैयार होगी। अब पाइपिंग के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी जो पाइपिंग है वो बनकर तैयार हो रही है। इसी तरीके से हम अपने पूरे नेक को पाइपिंग से तैयार कर देंगे। तो नेक के बाहर की तरफ पाइपिंग लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने पैटर्न को तैयार करना है। तो पैटर्न को तैयार करने के लिए आपको जो इसके अंदर का कपड़ा है बिल्कुल बुकरम से मिलाकर इसको कटिंग कर देना है। तो ये हमने अंदर का कपड़ा जो है बिल्कुल बुकरम से मिलाकर कटिंग कर दिया है और इसके बाद जैसे हमने अपने नेक के बाहर की तरफ पाइपिंग लगाई थी वैसे ही सेम हम इसके बाहर की तरफ और अंदर की तरफ पाइपिंग लगा लेंगे, जिसके लिए भी हमें औरे पट्टी की ज़रूरत होगी और 1 इंच चौड़ाई में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पाइपिंग लगा कर इस पैटर्न को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो पैटर्न है वो भी तैयार हो गया है और नेक भी तैयार है। तो पहले अब हम अपने नेक को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो कुर्ती में अटैच करने के लिए नेक में आपको क्या करना होगा, सेंटर में एक कट लगाना होगा। ऐसे करके आप बिल्कुल नेक को मिलाएंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर आप एक सेंटर में कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद ऐसे ही सेम आपको अपनी कुर्ती में भी कट लगाना होगा। तो देखिए जैसे कि ये अभी हमारी कुर्ती है वो डबल फोल्ड है तो इसमें हम यहाँ पर अपने गले की जो सेंटर वाला कट है उसको लगा लेंगे। तो ये हमने अपना सेंटर वाला कट लगा लिया है और इसके बाद दोस्तों हम अपनी कुर्ती को इस प्रकार से खोलेंगे। ये देखिए खोलने के बाद दोस्तों ऊपर की तरफ हमारी कुर्ती का जो भाग है वो उल्टा है, आपको भी अपनी कुर्ती का उल्टा भाग ऊपर की ही तरफ रखना होगा। उल्टे भाग के ऊपर आप अपने नेक को इस तरीके से मिलाएंगे और मिलाने के बाद कट से कट बिल्कुल एकदम सही तरीके से मिला लेंगे। तो पहले हम एक बीच सेंटर में कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर उसके बाद बुकरम के बराबर बराबर अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों कच्ची सिलाई लगाने से हमें ये फ़ायदा हो गया, जब हम बुकरम के अंदर अंदर सिलाई लगाएंगे तो इससे हमारा नेक इधर उधर नहीं हटेगा, जिससे कि टेढ़ा भी नहीं बनेगा। तो अब हम अपनी सिलाई लगाते हैं। इसके बाद इसके अंदर वाले कपड़े को हम थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे और जो आपकी गोलाई है इस पे आपको इस तरीके से कट लगा लेने हैं। ध्यान रहे कि आपकी जो सिलाई है वो ना कटे। और इसके बाद दोस्तों आपको अपने नेक को सीधी तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पे फिनिशिंग से पहले तो प्रेस लगा लेनी है। फिनिशिंग के साथ प्रेस को लगाने के बाद दोस्तों अब हम अपने पैटर्न को अटैच करना बताएंगे। तो पैटर्न को कैसे अटैच करेंगे देखिए, यहाँ पर आप अपने नेक को इस तरीके से उठाएंगे हल्का सा और उठाने के बाद इस तरीके से पैटर्न को अंदर की तरफ डालेंगे और पैटर्न की जो ये नोक है ये आपको ध्यान रखना है कुर्ती के बिल्कुल बीच सेंटर में रहे,
ये हमारी कुर्ती के बिल्कुल बीच सेंटर में है, चाहें तो आप इसके लिए निशान लगा लें, और अगर चाहें तो आप इसके कुर्ती के सेंटर वाली क्रीज के अनुसार भी चल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न को सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद ही हम पैटर्न के चारों तरफ इधर और इधर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। तो पैटर्न के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं आपका नेक भी इस तरीके से उठ रहा है, तो इसको भी हम सिलाई लगाकर यहाँ पर पैक करेंगे। और दोस्तों जैसे हमने अपने नेक के इस वाली किनारी पे पाइपिंग लगाई है, वैसे ही सेम हम इधर भी पाइपिंग को लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, अंदर वाली पाइपिंग लगाने के साथ साथ हमने बीच सेंटर में एक बटन भी लगा दिया है, जिसकी वजह से हमारे पूरे नेक की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज का खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमारे नए चैनल पिक्सू डिज़ाइंस को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज़ के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और बाकी अलग तरह के नेक डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे।